गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या करना है कि जो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था जिसने सनलाइट को एब्जॉर्ब करके आगे इलेक्ट्रॉन को पास किया था, हमने जो है जनरल बेसिक में बोला था। तो आज हम इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया सिस्टम तो वो कौन कौन से सिस्टम और ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे और कैसे ये हमारा जो है फोटो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस चलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही सनलाइट आती है तो वहाँ पर जो हमारा फोटोन है जैसे ही आता है तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर डिपेंड है कि वो किस टाइप का हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल होगा जो किस टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद जो उसका एक्सेप्टर होगा वो कौन सा रहेगा। और ये एक्सेप्टर जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो हम यहाँ पे दो डायग्राम चेक करेंगे। यदि यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यदि वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो दो हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, इन्हीं में समझेंगे। तो जैसे ही सनरेज आएगी तो सन रेज जैसे ही आएंगी तो वो लाइट की फॉर्म में आएंगी, प्रेजेंस ऑफ फोटोन की फॉर्म में आएंगी और उन लाइट की वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसको हमने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी बोला था, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एंड कैल्शियम। तो ये दोनों ही यहाँ पे क्या करेगा, दोनों ही डाइवेलेंट क्या रहेंगे, कैटायन रहेंगे। इनकी प्रेजेंस में हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल का वो किस टाइप की वेवलेंथ को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा जो हमारा एक्सेप्टर होगा जो इसको लेके यहाँ पे एक्टिवेट होगा। तो इसी में हम बात करेंगे कि कैसे जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होंगे और कैसे वो एक्सेप्टर जो है हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा और आगे फर्दर प्रोसेस कैसे चलेगी। तो इन्हीं में हम दो डायग्राम में यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि जैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम क्या शो करे कि हमने कल बोला था कि हमारे पास फोटो सिस्टम टू है, फोटो सिस्टम वन है एंड फोटो सिस्टम टू है। तो इन दोनों फोटो सिस्टम को हमने इनकी वेवलेंथ के ऊपर मेंशन किया था कि फोटो सिस्टम जो वन है वो 700 का है और फोटो सिस्टम जो टू है वो 680 का। अब हम इसी के ऊपर डिपेंड कहेंगे कि यहाँ पे ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा वो किस टाइप का फोटो सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है उसी पर क्या रहेगा डिपेंड। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जैसे सन की फोटो लाइट आएंगी तो जो लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है यदि वो 700 की लाइट आ रही है तो इसको हम क्या नाम देंगे, फोटो सिस्टम वन। यानी ये जो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो बन जाएगा हमारा फोटो सिस्टम वन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ये फोटो सिस्टम वन हमारा जो है सनलाइट को लेके 700 की वेवलेंथ को लेके यहाँ पे एक्साइट होता है, तो जैसे ही फोटो सिस्टम जो है एक्साइट होगा यहाँ पे तो जैसे ही एक्साइट होता है उसी फॉर्म में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जितना भी हमारा फोटो सिस्टम वन एक्साइट होगा तो उसी फॉर्म में क्या होगा ये जो लाइट है 700 की, ये डिपेंड करेगी किस टाइप का फोटो सिस्टम होगा। यदि यहाँ पे लाइट आती है 680 वाली तो यहाँ पे हमारा फोटो सिस्टम टू स्टार्ट होगा और यहाँ से लाइट आ रही है 700 नैनोमीटर की तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी टाइप का क्या चलेगा सिस्टम एक्टिवेट होगा वही आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि यदि 700 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या कहीं ये एक्टिवेट होता है, रिएक्शन सेंटर जो हमारा एक्टिवेट होता है तो उसमें क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रिलीज होंगे। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज होंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो वाटर है यहीं पर प्रेजेंट है, तो जैसे ही सनलाइट आएगी तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे फोटोलिसिस हो जाएगा। तो जैसे इसका फोटोलिसिस होगा उस टाइम पे क्या होगा यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और प्लस में क्या निकलेगा हमारा ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहाँ से जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन जो निकलेंगे तो उन्हीं की प्रेजेंस में क्या होगा हमारे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे एक्साइट करेंगे और एक्साइट करके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो हमारा सेंटर था PS1 एक्साइट होके ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिलीज करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो पहला एक्सेप्टर होगा उसको हम क्या नाम देंगे प्राइमरी एक्सेप्टर, यानी ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर काउंट होगा जिसको हम पहला प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे बोलेंगे और जो नाम होगा वो हम अकॉर्डिंग टू साइकिल के ही यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सेप्टर होता है वो हमारा यहाँ पे होता है फेरिडॉक्सिन। तो फेरिडॉक्सिन क्या करता है यहाँ से हमारा पहला इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट कर लेता है और ये पहला जो है प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे बन जाता है और आगे जो है ये अपनी जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन है तो फेरिडॉक्सिन जैसे इलेक्ट्रॉन को लेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो आगे जाके ये अपने जो इलेक्ट्रॉन किसी अदर एक्सेप्टर को पास करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर जो है एक्सेप्ट और जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो ऑक्सीडाइज होता रहेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को आगे पास करके रिड्यूस होता रहेगा। अब फेरिडॉक्सिन यहाँ पे क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा आगे पास कर देगा। अब ये जो हमारा एक्सेप्टर जो है काउंट हो चुका है तो ऐसे ही हम दोनों में बात करेंगे कि फोटो सिस्टम टू में भी जो हमारा 680 की वेवलेंथ को लेके ये लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है एंटीना है जो क्लोरोफिल का जो एक्टिवेटर है तो ये जैसे ही लेता है तो यहाँ पे भी वाटर का हमारा क्या हो जाता है ब्रेकडाउन। यहाँ से भी हमारे जो 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 4 हाइड्रोजन निकलते हैं
तो उन्हीं की प्रेजेंस में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जो है मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे निकल के जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो है एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट करेगा, वो भी क्या रहेगा हमारा फेरिडॉक्सिन। तो ऐसे ही हमारा क्या होगा कि फोटो सिस्टम वन हो या टू हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होके आएंगे एक्टिवेटर सिस्टम से, फोटो सिस्टम वन एंड टू से, तो उनका जो एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा मेरा फर्स्ट या प्राइमरी एक्सेप्टर। तो ऐसे ही हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो चलता रहता है वन प्रोडक्ट टू अदर प्रोडक्ट। तो ये चलेगा कैसे, आप यहाँ पे चेक करोगे पहले कहाँ से जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर कहाँ आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। ये तो हमारा सेंटर में ऊपर गया एक्सेप्ट किया, बट बाद में कहाँ आ रहा है नीचे की साइड। तो इसी में हम बोलेंगे कि ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, डाउन हिल प्रोसेस हमारा जो है काउंट हो रहा है, कि एक्सेप्टर जो है वो पहले क्या लेके जा रहा है अप हिल और फिर क्या आ रहा है डाउन हिल। तो ये ऐसे हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन अपहिल लेता रहेगा और बाद में इसको डाउन हिल ट्रांसफोर करता रहेगा। ये था हमारा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो कैसे चल रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि यदि वाटर आता है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कैसे आगे चलता है। तो जब ये सिस्टम हमारा आगे फर्दर चलता रहेगा तो पूरे सिस्टम को हम एक नाम देंगे, और इसको हम नाम देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये क्या बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम इस चैप्टर के जो बाद में जो ये एनर्जी हमारी फोटोसिंथेसिस के कहाँ जाएगी रेस्पिरेशन में, वहाँ पे ये हमारा दोबारा से फिर स्टार्ट होगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, ऐसे ही चलता रहेगा, स्टार्टिंग होगा अपहिल से एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग, बाद में जो डाउन हिल बन जाएगा। तो इनमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा पाथवे है, अभी हमने क्या बोला कि ऐसे जाके क्या रहा है नीचे की साइड, तो ये क्या है हमारा एक जो स्टेप है यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये है हमारा फोटो सिस्टम वन के लिए। बट यदि हम फोटो सिस्टम टू की बात करें, 680 वाले की बात करें फोटो सिस्टम टू की, तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे 700। तो ये फोटो सिस्टम टू क्या कहता है कि पहले इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट करेगा, ऐसे इसमें भी करेगा, बट जैसे इसका आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता जाएगा एक एक प्रोडक्ट इनके इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा, तो बाद में जो है इसको यहाँ पे दोबारा से 700 जो है एक्सेप्टर फिर इसको क्या करता है एक्सेप्ट करता है, उसके बाद इसका फिर एक्सेप्टर होता है और ये क्या हो जाता है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है और क्या प्रोड्यूस कर देता है NADH। तो जैसे यहाँ पे हमारा बनेगा तो NADPH के यहाँ पे बनते ही हमारा जो है ये क्या हो जाता है रिड्यूस, और वापस जो हमारे इलेक्ट्रॉन है आगे नहीं जा पाएंगे, तो क्लोरोप्लास्ट से पास नहीं होंगे, और जब क्लोरोप्लास्ट से पास नहीं होंगे तो वापस रिड्यूस होके कहाँ जाएंगे हमारे बैग, तो वापस हमारा जो एक्सेप्टर है वो इसको क्या कर लेगा एक्सेप्ट कर लेगा प्राइमरी एक्सेप्टर। तो इसमें हम क्या नाम देंगे, ये स्कीम हमारी कैसी बनी है जेड स्कीम। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कैसे चलता है, जेड स्कीम में हम फॉलो करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोटो सिस्टम वन भी इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम टू भी इन्वॉल्व। तो इन कंसेप्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे चेक करेंगे। ये जो हमारा साइकिल ऐसे चलेगा तो इसमें क्या होगा, हमारा जो साइकिल चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन जो है फर्दर मूव करके जो है आगे फर्दर जो है आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो ये हमारा दोनों में ही क्या है जेड स्कीम है। बट यदि ये स्कीम वापस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर दे तो ये कैसी बन जाएगी हमारी साइक्लिक, और ये नहीं करेगी तो इसमें क्या काउंट होगी, ये नॉन साइक्लिक। तो दोनों ही जेड स्कीम है, बट जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस जो है आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएंगे, तो उसको हम नाम देंगे यहाँ पे साइक्लिक नॉन, यानी नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइल। और यहाँ पे क्या होगा, जेड स्कीम में वापस आ जाएगा तो ये रहेगा हमारा जिसमें दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होंगे PS1B और PS2B, जब दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, इसको हम नाम देंगे साइक्लिक फोटो सिस्टम, यानी साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो दो हमारे पास क्या हुए यहाँ पे, फोटो फॉस्फोराइलेशन हुए, जिसमें वापस इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे यहाँ पे, फोटो फॉस्फोराइलेशन, और इसको क्या नाम देंगे, साइक्लिक फोटो फॉस्फो राइलेशन। तो ये दो हमारे पास क्या है, हमारे पाथवे हैं फोटोसिंथेसिस को शो करने के लिए, जिसमें हम यहाँ पे बताएंगे कि कैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो है पास होता है। तो इन्हीं डायग्राम को हम बुक के थ्रू भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट के थ्रू डील करेंगे। तो देखिए अभी हमने क्या बोला कि हमारा जो लाइट है वो आता है, तो लाइट का सोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सन। तो सन की जो वेवलेंथ आएगी जिस भी टाइप की आएगी, 700 या 680 वाली, तो इसको जो एब्जॉर्ब करेगा उसको हमने क्या नाम दिया था, वी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसको हम यहाँ पे एक और नाम दे सकते हैं जिसका नाम रहेगा एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। और ये किसका कॉम्प्लेक्स होगा, हमारा
क्लोरोफिल पिगमेंट का। तो हमारी जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट रहेगी, जिसको हम यहाँ पे कल जो है क्लास में, प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो क्लोरोफिल पिगमेंट का जो मेसोफिल सेल है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है मेसोफिल सेल के अंदर, तो वहाँ पे जो पिगमेंट हमारी क्लोरोफिल पिगमेंट, तो वो क्या करेगी, जिस भी टाइप का एब्जॉर्ब करेगी उसी का क्या आ जाएगा, हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिस भी टाइप की वेवलेंथ आएगी उसी टाइप का क्या करेगा, फोटो सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो अभी अभी हमने बोला जिस टाइप का फोटो सिस्टम होगा उस टाइप का ही एक्टिवेट होगा जैसी वेवलेंथ आएगी। यदि यहाँ पे हम मान लें कि ये लाइट यहाँ पे आ चुकी है, तो ये जब लाइट आ रही है तो हम कहेंगे आई कहाँ से, तो ये हमारा जो है वाटर के स्प्लिट होने से क्या होगी, हमारी लाइट यहाँ पे एक्टिवेट होगा। तो जैसे एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट लेता है, यानी लाइट का सबसे पहला क्या होगा यहाँ पे हार्वेस्ट होगा, लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है, एंटीना कॉम्प्लेक्स है, वो क्या होगा एक्टिवेट होगा। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। बट ये मूव कैसे होंगे, वाटर से। तो वाटर यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रेजेंस में पहले ही क्या होगा, ऑलरेडी पड़ा होगा। तो ये वाटर जैसे यहाँ पे पड़ा होगा तो इसका जो ब्रेकडाउन होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोलिसिस होगा, एक प्रोसेस चलेगी जिसको हम यहाँ पे नाम देंगे ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी फोटोन की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन, यानी लाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस होगा जिसमें हमारे टू वाटर मॉलिक्यूल डिग्रेड होके जो है फोर हाइड्रोजन फोर इलेक्ट्रॉन प्लस एक ऑक्सीजन का क्या करेंगे, एटम को यहाँ पे मूव करेंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं वाटर के ब्रेकडाउन होने पे, यही इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, यहाँ से क्या होंगे, इवोल्व होके जाएंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इवोल्व होके जाएंगे तो वहाँ पे जो हमारा पड़ा होगा, जो भी हमारा मेसोफिल सेल के अंदर जो भी हमारा एक्सेप्टर होगा, वो इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा इस इलेक्ट्रॉन को। और जैसे वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, नाश आधार किसी प्रोडक्ट को वो देगा, उसी के बाद वो भी आगे जो है इलेक्ट्रॉन को जो है पास करता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कंटिन्यूस जो है हमारी बनती रहेगी। और जैसे ही ये जाएगा तो इसके बाद जो है हमारा जो है लास्ट में जो प्रोडक्ट है वो एटीपी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो एटीपी क्या रहेगा यहाँ पे, एनर्जी। बट यदि इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो ये साइक्लिक बन जाएगा, और यदि नहीं आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा नॉन साइक्लिक। अब हमने देखा कि हमारा जो वाटर के ब्रेकडाउन पे ही क्या है, हमारी मेन इलेक्ट्रॉन निकल के आए, तो ये इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, ये दोनों जो फोटो सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड है कि किस टाइप की लाइट आती है और किस टाइप का हमारा जो है वेवलेंथ की लाइट आती है और किस टाइप के जो हमारे आगे फर्दर प्रोसेस चलते हैं। हमने मेन लेके चलना है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, कि जैसी लाइट आएगी तो वैसा ही क्या होगा, फोटो सिस्टम होगा। यदि 700 की आई तो 700 वाला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा, और यदि 600 वाली आई तो फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट होगा। बट यदि ये दोनों सिस्टम एक के अंदर आती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो ये साइक्लिक क्या चलेगा, साइकिल चलेगा फोटो सिंथेसिस, यानी ये साइक्लिक हम साइकिल बोल सकते हैं फोटो सिंथेसिस का, जो हमारा रहेगा या फिर फोटो सिस्टम के अकॉर्डिंग। और ये हमारा कौन सा है, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में हमारे दो साइकिल चल रहे हैं, जिसमें हमने पहले बात की साइक्लिक की, और दूसरी हम बात करेंगे जिसमें केवल एक ही सिस्टम इन्वॉल्व होगा, फोटो सिस्टम 1, जिसमें हम केवल 700 को नाम देंगे, तो वो क्या रहेगा, हमारा नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में हमारा केवल जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो एटीपी का होगा, और साइक्लिक के अंदर हमारा एनएडीपीएच यानी हाई एनर्जी भी बनेगा, प्लस में हमारा एटीपी भी बाद में फॉर्म होता रहेगा। तो ये हमारा क्या था, बेसिक था, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे हमारा ये दोनों की दोनों जेड स्कीम फॉलो करती है, कैसे चलती है लाइट रिएक्शन में, कैसे फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट होता है, कैसे फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है, और कैसे जो हमारा कंटिन्यूस जो सप्लाई है वो इलेक्ट्रॉन का चलता रहता है, फोटो सिस्टम 1 2 फोटो सिस्टम 2। तो ऐसे ही हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है, कैसे ये ऑक्सीडाइज होते रहते हैं एक सब्सटेंस से, और कैसे एनर्जी बनाते रहते हैं, और कैसे एटीपी हमारा बनता रहता है। ये जो प्रोसेस है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड है, एटीपी की सिंथेसिस के लिए क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। और एटीपी का सिंथेसिस से क्या नाम देता है इन प्रोसेस को, फोटो सन की प्रजास में फोस्फेट का क्या होना, राइलेशन होना, यानी फॉर्मेशन ऑफ फोस्फेट, फोटो फॉस्फोराइलेशन। कहाँ से चेक किया हमने, कहाँ से बना है फोटो फॉस्फोराइलेशन, NADPH। अभी यहाँ पे हमने क्या बोला है, फॉस्फोरस। तो ये क्या है, इसका नाम रहेगा यहाँ पे निकोटिनामाइड, ठीक है, माइड ग्रुप को यहाँ पे हम एक बेस के फॉर्म में मानेंगे, एडिनिन। तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा जो लगेगा,
तो यहाँ पे क्या काउंट होगा हमारा, यहाँ पे एनएडीपी को हम क्या नाम देंगे, एडिनाइन डाई फोस्फेट। देखिए हमने इसमें बोला ना क्या है, फोस्फेट। तो जैसे ही फोस्फेट बनेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, फोराइलेशन। और किसके प्रेजेंस में, लाइट की, तो इसलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं, फोटोफोस्फोराइलेशन। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा एनएडी, तो ये हमारा एक जो है पर्टिकुलर यहाँ पे क्या रहेगा, एक बेस रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि ये हमारा कैसा है प्रोसेस, जो है फोटोफोस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक 700 680 को कैसे हम इंक्लूड करेंगे, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, तो इसको थोड़ा बुक से जो है रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए अभी भी हमने टॉपिक में क्या डील किया था, जिसमें आप अच्छी तरह से यहाँ पे कंसेप्ट को चेक भी कर चुके हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो हमारा एनर्जी करेंसी का जो सिस्टम है वो साइटोक्रोम के हेल्प से क्या करता है, मूव करता है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करेंगे, तो ये जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, जेट स्कीम है लाइट रिएक्शन की, कि जैसे ही लाइट आएगी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा, तो उसका जो पहला एक्सेप्टर है उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने से जैसे वो अपने इलेक्ट्रॉन आगे जो है ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट प्रोडक्ट को, तो उनका जो नाम है हम यहाँ पे बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, प्लास्टोसाइनिन यहाँ पे होगा, प्लास्टोक्विनोन होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे चलता रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर जो है सेकंड वाले जो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसको हमने नाम दिया था यहाँ पे 700, और यहाँ पे हम नाम देंगे 600 जो PS2 था, और यहाँ पे PS1। तो ये PS2 जैसे ही 680 की लाइट को एब्जॉर्व करता है, अपने फर्स्ट रिसेप्टर को देता है फेरिडोक्सिन। तो फेरिडोक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन जो आगे फर्दर पास करता है प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन प्लास्टोसाइनिन को पास करता है। उसके बाद जो साइटोक्रोम ए जो है उसका जो चेन चलेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को आगे पास करेगा और वहाँ पे एक्टिवेट होगा 700 का PS1। तो जैसे ये भी लेता है इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और इसका भी जो एक्सेप्टर होगा PS1 का वो भी क्या होगा यहाँ पे एक्टिवेट होगा। और अपने इलेक्ट्रॉन को जब वो रिलीज करेगा तो क्या बनेगा हमारा हाई कैनेंसी एनर्जी, जिसको हमने बोला था NADPH। तो जैसे ये बनता है तो हमारे पास ये क्या बन जाता है कि जब दोनों सिस्टम एक में इन्वॉल्व है तो वो क्या बन गया हमारा साइक्लिक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे वापस आ जाएंगे और वापस सिस्टम को ये स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे, बट यहाँ पे आप चेक करोगे ये फोटोसिस्टम 2 है जिसमें हम चेक करें और ये फोटोसिस्टम 1 है। तो ये दोनों में ही क्या चल रही है हमारी जेड स्कीम। अब इसके बाद बात करेंगे, ये जो जेड स्कीम था हमने चेक किया कि ये डाउनहिल भी चलता है, कि मूवमेंट की जो एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग चलेगी वो अपहिल चलेगी, बट बाकी आगे जो इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो वो कैसे चलेंगे, डाउनहिल। तो जब ये डाउनहिल हमारा चल के जा रहा है तो ये रिडक्स जो पोटेंशियल है वो अपने आप चलती जाती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई भी यूज नहीं होता, केवल पास होता है। और जब भी ये पास होगा तो फोटोसिस्टम 1 को जब ये पास होगा तो वहाँ पे जो हमारा फोटोसिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होता है तो लाइट की वेवलेंथ है वो 700 की होगी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा रिडक्स पोटेंशियल कुछ ज़्यादा ही होगा क्योंकि हाई एनर्जी वेवलेंथ आ रही है। अब उसी के बाद हम बोले तो इसमें जो हमारा एनर्जी भी क्या बनेगा, हाई वेवलेंथ का ही बनेगा 700 के बाद। तो हम मानेंगे कि जो स्टार्टिंग था होल स्कीम का वो स्टार्ट हुआ था हमारा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट थी, और वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट हमारे आए कहाँ से थे, वाटर के स्प्लिटिंग से। तो वाटर की स्प्लिटिंग हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज होकर आए उसने क्या किया था, एक्साइटेशन किया था। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे तो फोटोसिस्टम हमारा चेन क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था एक्सेप्टर को लेके, और फाइनली जो है अपहिल जाने के बाद वो वापस कहाँ पे आया था, डाउन हिल। तो वहाँ पे जो हमारा NADP की जो एनर्जी है वो रिड्यूस होकर NADPH में चेंज होगी, और इसलिए हमने बोला था कि ये कौन सी स्कीम है, जेड स्कीम, कि पहले अपहिल गया फिर डाउनहिल आया फिर अपहिल गया, और ये क्या हो गया हमारी एनर्जी वापस आने में क्या हो गया हमारा साइक्लिक, और ये ऐसे ही चलता है तो ये क्या हो जाता है, नॉन साइक्लिक। और ये दोनों में क्या थी हमारी जेड स्कीम। उसके बाद बात करें कि ये जितना भी यहाँ पे एनर्जी को कैरी करने का जो प्रोसेस था जो चल रहा था वो सारा किस पे डिपेंड है, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, बार बार रिड्यूसिंग पॉइंट चलता जा रहा है। तो उसके बाद हम बात करें कि ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो हमारा पाथवे है वो कैसे चला था। तो ये डायग्राम इसमें भी फॉलो हो रहा है, यदि आप अलग से करना चाहें तो अलग से भी है साइक्लिक का। तो ये हमारा साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो डायग्राम है कि कैसे यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखिए अभी अभी हमने बोला था कि जैसे सनलाइट आएगी जिस टाइप की वेवलेंथ आएगी उसी टाइप का क्लोरोफिल का एंटीना कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गए फर्स्ट सेक्टर यानी फोटोसिस्टम 1 का ही है, तो ये फोटोसिस्टम 1 है 700 वाला, उसी का क्या करेगा सेक्टर एक्टिवेट होगा और उसके अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यदि इलेक्ट्रॉन को वापस उसी कॉम्प्लेक्स पे देती है तो ये कैसा बन जाता है, साइक्लिक। अभी भी हमने बोला था यदि वापस आ जाए तो कैसा बन जाएगा, साइक्लिक। यदि वापस ना आए फर्दर आगे किसी अदर को एक्टिवेट करता रहे तो उसमें क्या बन जाएगा, ये नॉन साइक्लिक।
तो ये हमारा जो ओवरव्यू था यहाँ से चल रहा है कि एटीपी जितना भी बनेगा वो कहाँ बनता है, या तो क्लोरोप्लास्ट में बनता है या प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे वो हमारा रेस्पिरेशन में रहेगा, बट अभी हम फोटोसिंथेसिस को डील करें तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या बनता है, एनर्जी बनती है। तो यहाँ पे जो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है वो एटीपी की सिंथेसिस के लिए हो रहा है। कहाँ से बनेगा एटीपी? एडीपी से। तो एक फॉस्फेट जैसे ही बनता है डाई फॉस्फेट में ऐड होके तो क्या बना देगा, ट्रिपल फॉस्फेट। और ये हमारा इनऑर्गेनिक टाइप का क्या होगा, फॉस्फेट होगा, जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, फॉर्मेट होगा। तो जैसे ये मानता है कि दोनों फोटोसिस्टम जब वर्क करते हैं सीरीज में, पहले तो आएगा हमारा फोटोसिस्टम 2 680 वाला, उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा हमारा फोटोसिस्टम 1, तभी ये जो हमारी स्कीम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वो कैसे बनेगी, जेड स्कीम। अभी तक ये जेड स्कीम कंप्लीट नहीं है, जब केवल एक फोटोसिस्टम है साइक्लिक वाला। जब ये नॉन साइक्लिक बनेगा तभी क्या होगा, हमारा जेड स्कीम होगी, क्योंकि नॉन साइक्लिक में हमारा फोटोसिस्टम जो है 1 भी यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो इसी में आप चेक करोगे कि जब हमारा फोटोसिस्टम 1 है वो फंक्शनल हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलेट करते रहते हैं फोटोसिस्टम से और वो वापस जो है साइक्लिक जो फ्लो से वापस जो है अपने लोकेशन उसी पॉइंट पे ले आते हैं। और ये कहाँ होता है, हमारा स्ट्रोमा के लैमेले में। हमने बोला था कि डार्क में भी चलेगा, तो डार्क में हमारा जो है कौन सा चलेगा, फोटोसिस्टम 1। क्यों चलेगा? क्योंकि फोटोसिस्टम 1 के पास लाइट तो आ रही है, बट लाइट की वेवलेंथ कैसी होगी, 700, यानी इतना नहीं है कि वो डायरेक्ट सन से ही है। तो यहाँ पे हम लाइट जो है नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे हम इसको सन की बजाय और क्या मानेंगे कि ये लाइट हमारी नॉर्मल आ रही है। तो 700 अपने आप एक्टिवेट हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन वाले एक्साइटिंग पार्ट जो पहले से ही आ रहा है P680 वाला। तो इसको भी मैं एक बार रिपीट कराऊंगी, अब चेक करना। तो ये हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में एक मेन डिफरेंस आता है कि साइक्लिक जब चलेगा तो उसमें जो लाइट है वो सन से नहीं आएगी डायरेक्टली, वो फोटोसिस्टम 2 के अकॉर्डिंग जो एक्टिवेट इलेक्ट्रॉन है वहां से क्या होगा, फर्दर एक्साइटेशन चलेगा। तो ये जो हमारा ग्रेना का जो फोटोसिस्टम था फोटोसिस्टम 1, तो ये हमारा लाइट डायरेक्टली नहीं आती, वो अपने आप डार्क टाइम में ही एक्टिवेट होता है। बट जब हमारा फोटोसिस्टम 2 था वो स्ट्रोमा में एक्टिवेट हो रहा है, तो वो अपने आप जो है क्या करता है, देखो यहाँ पे बोल ही दिया है, लैमिलर मेम्ब्रेन लैक PH2 एज वेल एज NADPH रिडक्टिव। तो हमारा फोटोसिस्टम 1 है वो लाइट खुद की नहीं रखता, वो वैसी लाइट होगी, बट जो डायरेक्ट सनलाइट होगी वो कहाँ आएगी, ग्रेना में, जिसमें फोटोसिस्टम 1 एक्टिवेट होगा, उसके बाद फोटोसिस्टम 2 एक्टिवेट होगा, तभी चलेगा साइक्लिक पाथवे। तो यहाँ पे बोला है कि साइक्लिक पाथवे में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो डू नॉट पास ऑन दी NADP। तो ये इलेक्ट्रॉन NADP के पास नहीं जाते, वापस बैक आ जाते हैं, और वापस बैक आने के बाद कहाँ जाते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स में। इसलिए इसको क्या बोला गया है, साइक्लिक पाथवे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन चेंज चल रही है आप देख रहे हो साइकिल में चल रही है, और ये रिजल्ट करा है किसका, फॉर्मेशन ATP का। तो आप यहाँ देख रहे हो ATP का है। यदि ये इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर किसी और के पास चले जाते हैं वहां से NADP बनता, तो ये कैसा हो जाता है, NADP वाला साइकिल, यानी नॉन साइक्लिक। इन्हें डिफरेंस करें तो जो हमारा साइक्लिक है उसमें फोटोसिस्टम जो हमारा 700 यानी एक ही इन्वॉल्व है, जबकि नॉन साइक्लिक में हमारे दोनों सिस्टम इन्वॉल्व है। फोटोसिस्टम 1 के अंदर डायरेक्टली जो है लाइट यहाँ पे नहीं आ रही है, जबकि हमारा फोटोसिस्टम 2 के अंदर डायरेक्टली लाइट आती है। तो जैसे हम कहेंगे कि साइक्लिक में हमारा केवल एक ही फोटोसिस्टम है, नॉन साइक्लिक में दोनों है, साइक्लिक में ATP बनता है, नॉन साइक्लिक में हमारा NADP बनता है। तो ये हमारा अवेलेबल था, जिस टाइप की लाइट आएगी उसी टाइप का क्या होगा, हमारा पाथवे चलेगा। यदि लाइट कम वाली आ रही है तो 700 यानी साइक्लिक चलेगा, और यदि सन से आ रही है डायरेक्ट तो पहले फोटोसिस्टम जो है 2 एक्टिवेट होगा, फिर 1 होगा यानी नॉन साइक्लिक चलेगा, क्योंकि उसमें NADP हाई एनर्जी करेंसी है जिसको बार बार रिपीट करने की नीड नहीं होगी। तो आज के ये जो हमारे दो साइकिल थे जिसमें आपने पढ़ा कि जेड स्कीम क्या होती है, लाइट रिएक्शन जो हमारे कैसे चलते हैं, रिएक्शन सेंटर कौन सा है, कौन सा एंटीना कॉम्प्लेक्स है, कैसे एक्टिवेट होता है, कौन सा ऑक्सीजन आता है, कैसे इलेक्ट्रॉन जो आगे फर्दर मूव होता है एक्साइट होता है, कैसे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पे जाता है, और कैसे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बनते हैं।